करते हैं दोस्तों। आज फिर हम अपने चैनल पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेंटर फ्लावर टाइल डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो हमने टाइल्स कटिंग करनी है। ये टाइल्स जो हम कटिंग कर रहे हैं ये 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर की टाइल्स थी, इसको हमने कटिंग किया है। इसमें से हमने जो है 6 पीस निकाले हैं, और ये सभी पीसेस 10 सेंटीमीटर × 10 60 सेंटीमीटर के हैं। तो इसी तरह जैसे कि हमने ब्राउन टाइल की कटिंग की है 10 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर, तो इसी तरह हमने ब्लैक टाइल की कटिंग करनी है, और सभी पीसेस को इसी तरह बराबर कटिंग करना है। उसके बाद हमने जो जैसे कि भी आपके जो अपने फेवरेट कलर होते हैं आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इस डिज़ाइन में हमने 3 कलर यूज़ किए हैं, ब्लैक ब्राउन और वाइट, और इन 3 कलर में हमने अपना डिज़ाइन बनाया है। और जैसे कि भी आप देख रहे हो आपके जो अपने फेवरेट कलर हैं आप उनको भी उसमें भी बना सकते हो। जैसे कि भी आप देख रहे हो ये हमने एक 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की टाइल थी, इसको सेंटर से हाफ़ किया है, और इसका हमने फर्मा यूज़ करना है। तो इसका फर्मा कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरह जैसे कि भी आपने इसको सेंटर से हाफ़ किया है, उसके बाद आप इसको अपने जो आपने जो पीसेस कटिंग किए हैं 10 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर के, उसमें आप अभी जैसे कि हमने निशान लगाया है तो आपने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाना है। तो जैसे कि ऑटोमेटिकली आपका जो आप कटिंग करोगे तो आपका जो फर्मा है वो सेट होना चाहिए, और जहाँ पर हमने निशान लगाया वो जैसे अभी आप देख सकते हो ये बर्फी डिज़ाइन हमने बनाया है। तो इसी तरह आप भी बना सकते हो। तो इसी तरह आपने जो निशान है ये दोनों बराबर लगाने हैं इसी तरह, और वहाँ पर इसको रखकर सभी पीसेस की सेम कटिंग करनी है। तो जैसे कि हम अभी अपने पीसेस की कटिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने यहाँ पर निशान लगाकर सेम कटिंग करना है, और आप इसको बाथरूम या किचन वाल या फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको रूम में या लॉबी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि भी आप देखने देखा हमने ये डिज़ाइन किसी भी जगह आप यूज़ कर सकते हो, बाथरूम किचन वाल या फ्लोर पे, आप किसी भी 3 कलर में इसको बना सकते हो जो आपके पसंदीदा कलर हैं। तो इसी तरह जैसे कि भी हमने ये 3 पीसेज निकाले हैं ब्राउन टाइल्स के कटिंग करके, और इसी तरह आपने ब्लैक के निकालने हैं, लेकिन इसमें जो है आपने 4 पीसेस निकालने हैं ब्लैक के और 4 निकालने हैं ब्राउन के। तो तभी जाके जो ये 8 फ्लोवर वाला जो डिज़ाइन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी आप देख सकते हो इसको हमने इजीली कटिंग किया है, तो जैसे कि हमारा फर्मा है वो वहीं पर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम जो है इजीली बना सकते हैं। तो ये जो है हमारे ये जो फ्लोवर है ये कंप्लीट होता जा रहा है। तो इसी तरह जो है हमने सभी पीसेस को बराबर कटिंग किया है, जैसे कि हमने आपको दिखाया है फर्मा रखकर आप इजीली कटिंग कर सकते हो। तो आप ये जो है मार्बल में भी यूज़ कर सकते हो, या ग्रेनाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने इसमें टाइल्स में इसको यूज़ किया है। इसी तरह आप ग्रेनाइट में या मार्बल में आपके जो 3 फेवरेट कलर हैं या उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अभी जो है हमारा फ्लोवर, ये जो सेंटर का फ्लोवर है कंप्लीट हो चुका है, और जो इसके कॉर्नर हैं अभी जो इसके कॉर्नर हमने सेट करने हैं और उनकी कटिंग करनी है, इसको हमने 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर वाइट टाइल के जो पीसेज हैं वो हमने कटिंग करने हैं, और फिर उसको हमने सेंटर से हाफ़ करना है। जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं अभी हमने जो है वाइट टाइल्स लिए है, और इसको हम 14 सेंटीमीटर कटिंग करेंगे फुल टाइल। उसके बाद हमने इसको सेंटर अभी 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर कटिंग करना है, ये जैसे कि अभी हमने कटिंग किया है। उसके बाद हमने इसको सेंटर से हाफ़ करना है, तो जैसे कि अभी हमने सेंटर से हाफ़ किया है आप इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। तो इजीली आप डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे कि अभी हमने आपको बनाकर दिखाया है ये जो इसके कॉर्नर है, इसी तरह हमने सभी को सेंटर से हाफ़ करना है,
और इजीली इसको यहाँ पर लगा देना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर इजीली इसको हमने यहाँ पर लगाना है। तो इजीली आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। आप जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और